नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में ईपीएस पेंशनर्स के लिए जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके तहत अभी आपको ईपीएस के तहत 45,000 रुपए की मिलेगी पेंशन। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बड़ी अपडेट ईपीएस पेंशनर्स के लिए निकल कर आ रही है, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले है। तो आप जो है दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में निकल कर आ रहा है, तो इसकी जानकारी आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उससे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानते हैं पूरे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसके तहत अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब 45,000 तक मिलेगी पेंशन, जानिए कितना होगा फायदा या फिर नुकसान। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा है, तो आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेने वाले है। तो जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के निजी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बदलाव करने से लोगों की पेंशन में काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। हालांकि इस फैसले से जहां एक तरफ पेंशन की राशि बढ़ जाएगी, वहीं दूसरी तरफ इसकी टेक होम सैलरी और पीएफ फंड पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आगे यहां पर बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले क्या नियम था। तो जी हां दोस्तों, वर्तमान में कर्मचारियों को बेसिक वेतन के आधार पर और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अधिकतम 7,500 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कर्मचारियों को उनकी आखिरी वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी। मौजूदा सिस्टम के मुताबिक वेतन का 8.33% भाग पेंशन के रूप में दिया जाता है, लेकिन अब आदेश के बाद पेंशन की गणना पूरे वेतन यानी बेसिक वेतन, डीए और रिटेंशन बोनस के आधार पर की जाएगी। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि आपकी पेंशन में जो है वो कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन में हुई इतनी ज्यादा वृद्धि, उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 60,000 रुपए प्रति महीना है और उसने 35 वर्ष काम किया है, तो अब उसे रिटायरमेंट के बाद हर माह करीब 30,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगी, जबकि पुरानी सिस्टम के तहत यह पेंशन सिर्फ 7,500 रुपए होती थी। इसके साथ ही अगर आपका वेतन 30,000 रुपए है और आपने 35 वर्षों तक काम किया है, तो आपको 15,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो यह पेंशन से रिलेटेड जो फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल को दिया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेंद्र मोहन और न्यायमूर्ति एएम बाबूकति खंडपीठ ने फैसला सुनाया था। खंडपीठ ने कहा था कि 15,000 रुपए मासिक का मतलब होता है 500 रुपए प्रतिदिन। यह सामान्य ज्ञान है कि एक तिहाड़ी मजदूर को भी इससे ज्यादा धनराशि का भुगतान होता है, इसलिए पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए तक सीमित करना एक सभ्य पेंशन से अधिकांश कर्मचारियों को वृद्धावस्था में वंचित करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक दिहाड़ी मजदूर को भी 500 रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान होता है, इसलिए पेंशन के लिए अधिकतम 15,000 रुपए तक सीमित करना इससे जो है वो अधिकांश कर्मचारियों को उनके वृद्धावस्था में इस पेंशन से वंचित रखेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ईपीएस पेंशनर्स को जो मिलने वाली पेंशन है, तो 15,000 रुपए पर ना तय होकर उनकी जो आखिरी पूरी सैलरी है, तो उसके बेसिस पर तय हो। आगे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बदलाव किया है, तो इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए उनकी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए तक तय की थी। इसका मतलब आपकी सैलरी भले ही 15,000 रुपए प्रति महीने से अधिक हो, मगर आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए सैलरी पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की ओर से निर्धारित इस सैलरी सीमा को तोड़ दिया है। अब कर्मचारियों की पेंशन की गणना आखिरी सैलरी यानी उच्चतम सैलरी के आधार पर होगी। कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को कई गुना तक ज्यादा पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पेंशन में बदलाव किए हैं, जिसके तहत अभी आपकी जो आखिरी सैलरी होगी, तो उसके तहत जो है वो आपकी पेंशन की गणना की जाएगी। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि आपको जो है वो पेंशन कितनी मिल सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो डिटेल एनालिसिस है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो उसके बाद अगर आपकी जो सैलरी है वो 30,000, 60,000 या फिर 90,000 होती है,
तो आपको जो है वो पेंशन कितनी मिलेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगर आप 5 साल नौकरी किए हैं तो आपको जो है वो कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पेंशन का हकदार बनने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस करना जरूरी होता है। 10 साल की सर्विस करने के बाद ही आप ईपीएस के तहत जो मिलने वाली पेंशन है तो उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि 10 साल अगर आपने सर्विस की है तो आपको जो है वो कितनी पेंशन मिलेगी। तो मौजूदा जो है वो यहाँ पर कितनी पेंशन मिल सकती है तो ये भी यहाँ पर दिया गया है, और साथ में अगर आपकी 30,000 रुपए सैलरी है या फिर 60,000 रुपए सैलरी है या फिर अगर आपकी उच्चतम सैलरी 90,000 रुपए है तो आपको इन केसेस में जो मिलने वाली पेंशन है तो वो 30,000 रुपए सैलरी है, और अगर आपने 10 साल काम किया है तो आपको मिलेगी पेंशन 4,286 रुपए। उसके बाद अगर आपकी सैलरी 60,000 है तो आपको मिलेगी 8,571 रुपए। 90,000 सैलरी और 10 साल अगर आपने सर्विस की है तो आपको मिलेगा 12,857 रुपीज। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगर आपने 35 सालों तक सर्विस की है तो उस बेसिस पे आपकी जो पेंशन है वो यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपकी आखिरी सैलरी 30,000 रुपए है तो आपको 15,000 रुपए पेंशन मिलेगी। उसके बाद अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपए है तो आपको 30,000 रुपए का पेंशन मिलेगा, और अगर आपकी सैलरी 90,000 रुपए है तो आपको मंथली 45,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो आपकी मैक्सिमम जो है वो पेंशन 45,000 रुपए या फिर अगर आपकी आखिरी सैलरी 90,000 रुपए के ऊपर है तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन जो है वो और अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, 90,000 रुपए की अधिकतम सैलरी और अगर आपने 35 सालों तक काम किया है तो उस केस में आपको न्यूनतम पेंशन जो है वो 45,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला निजी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी तो उनकी पेंशन के संदर्भ में दिया है, तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको जो है वो इस फैसले के तहत अभी आप जो है वो हायर पेंशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा था तो आज हमने इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है तो इसकी जानकारी उन सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज है इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।